दीपास किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बताऊंगी कि आम की गुठली में से मुखवास यानी कि माउथ फ्रेशनर कैसे बनता है। नॉर्मली आम खाने के बाद लोग गुठलियों को फेंक देते हैं, पर अगर गुठलियों को रनिंग वाटर में धोकर धूप में सुखाकर कलेक्ट किया जाए तो उसमें से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक अच्छी सी हेल्थी डिश क्रिएट कर सकते हैं। गुठली का मुखवास खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो आइए देख लेते हैं आम की गुठली का मुखवास बनाने का पूरा प्रोसेस। इसके लिए प्योर घी लूंगी एक टेबलस्पून जितना, आम की गुठलियाँ 5 और काला नमक 1/4 टीस्पून। सबसे पहले गुठलियों को मैंने धूप में 2 से 4 दिनों तक सुखाकर ड्राई कर दिया है। अब इसे कुकर में पकाने के लिए गुठली के लेवल जितना पानी मिला दिया है और इसे कम से कम 5 सीटी बजने तक पकाना है ताकि अंदर से गुठलियाँ एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसे तोड़ने के लिए भी एक टेक्निक है, तो यहाँ पर जो डंठल है आम की उसे राइट में रख देना है और उसके ऊपर वाला पार्ट जो है थोड़ा बेंड, उसके ऊपर मुसल मारकर इसे खोलना है। तो सही तरीके से मारेंगे तो ये तुरंत ही खुल जाएगा। आप चाहे तो हथौड़े से भी इसे तोड़ सकते हैं। बस तो इसे खोलकर ये छोटी सी गुठली मैंने निकाल दी है। अब गुठली के ऊपर जितने भी ब्राउन छिलके हैं वो सारे निकाल देने हैं। अब इसे मैं लंबी लंबी स्लाइस में कट कर दूंगी। आप चाहे तो किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। अभी भी ये थोड़ी सी भीगी भीगी सी है तो इसे 2 से 3 दिनों तक धूप में या पंखे के नीचे सूखने के लिए रख देनी है। धूप में सुखाने से इसका कलर चेंज हो गया है और ये अब थोड़ी ड्राई भी हो गई है। ऐसा करने से गुठली का मुखवास है वो एकदम ही क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पर मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने गुठलियों की स्लाइस भी मिला दी है और अब इसे मैं हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुठलियों की स्लाइस जो है वो हल्का ब्राउन हो चुकी है। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब इसे मैं बाहर निकाल दूंगी। इसके ऊपर मैंने काला नमक भी छिड़क दिया है और इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से हमारी क्रिस्पी और क्रंची आम की गुठली का मुखवास बनकर रेडी हो गया है। एक बहुत ही शानदार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में से क्रिएट की गई ये डिश है। ठंडा हो जाने के बाद इसे एयर टाइट जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं और आफ्टर लंच और डिनर इसे खा सकते हैं। तो आज की हमारी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में से क्रिएट की गई रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।